विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती दे डाली और कहा कि बघेल सीट तय करें, जिस सीट पर कहेंगे वहां हरा कर दिखाऊंगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझ पर हमला होने के बाद मुख्यमंत्री बघेल का बयान निंदनीय है, उनके बयान से मैं बेहद दुखी हूं। इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उनका बयान गैर जिम्मेदाराना रवैया और शर्मनाक है। साथ ही सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि वो मेरे खिलाफ जहां से चुनाव लड़ना चाहे लड़कर और जीतकर मैं दिखा दूंगा, मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों को रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और उनके बयान को लेकर मानहानि का दावा भी करेंगे। हमारे सांसद जी है, प्रवक्ता जी है, नेता जी है। देखिए परसों जो घटना घटित हुई, उस घटना के बाद मुख्यमंत्री की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है, उस प्रतिक्रिया से मैं आहत हूं, दुखी हूं कि उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता से, रायपुर की जनता से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। 7 बार रायपुर की जनता ने मुझे चुना है, 4 बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मंत्री के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी की कृपा पर विधायक नहीं हूं और मुख्यमंत्री जी की कृपा पर नाम है मंत्री बनाओ। परंतु मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है वो कोई भी एक सभ्य व्यक्ति किसी एक विधायक के प्रति, किसी सांसद के प्रति, किसी जनप्रतिनिधि के प्रति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अब पैसा खोर हो गए। जो उनको पैसा देगा वो गुंडा हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, गुर्गा हो, शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो, रेत माफिया हो, जंगल माफिया हो, जमीन माफिया हो, डीएमएफ माफिया हो, और जब कोई व्यक्ति पैसा खोर हो जाता है, जैसे डकैती डालने वाला अगर डकैती डाला फिर जेल से छूट गया तो फिर डकैती डालेगा। कोई चोर है, उसको चोरी करने की आदत हो गई और जेल में चला जाएगा, फिर टूटेगा, फिर चोरी करेगा। वैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास में इतने आरोप लगने के बाद भी वो इस प्रकार के तत्वों को, जिनके ऊपर में जग्गी हत्याकांड के आरोप है, जिनके ऊपर में शराब में माफियागिरी करने के आरोप है, जिनके ऊपर महादेव सत्ता चलाने के आरोप है, उनको अपना नजदीकी बना के रखना उनकी क्या मजबूरी है जो पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ को आपने क्या अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है क्या? पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, रायपुर मेरा घर है। रायपुर में कभी किसी ने ये हिमाकत नहीं की, किसी ने ये हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे सब लोगों से पारिवारिक और प्रेम के संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति पूरे रायपुर में और छत्तीसगढ़ में नहीं बोल सकता
कि किसी के साथ में मैंने भेदभाव किया हो या जातिवाद का व्यवहार किया हो। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से दो शब्द नहीं फूटना। आज वो कांग्रेस के नेता के साथ साथ वो मुख्यमंत्री है, शासन के प्रमुख है। उन्होंने जिस गंदे और भद्दे तरीके से जो बात कही है,